नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। झांसी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला एवं शहर कांग्रेस के संयुक्त नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित जिलाधिकारी झांसी के माध्यम से ज्ञापन में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि अपराधी सरेआम घटना को अंजाम दे देते हैं। हाल ही में हाथरस की बेटी के साथ गैंगरेप कर दरिंदगी करने वालों ने जीप काट दी, आंखें फोड़ दी, गर्दन एवं रीढ़ की हड्डी तोड़कर दरिंदगी का जो काम किया है जो क्षमा योग्य नहीं है। दरिंदों को फांसी की सजा की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। योगी जी की सरकार में हाथरस जैसी अनेकों घटनाओं को अपराधी अंजाम दे चुके हैं, उन्हें किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। जिलाध्यक्ष भगवान दास कोरी ने केंद्र की मोदी एवं राज्य की योगी सरकार को आड़े हाथों लेकर कहा कि जो सरकार की सच्चाई को उजागर करता है उसे सरकारी तंत्र होम अरेस्ट कर देता है। जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य सहित जिला एवं अध्यक्ष को अपराधियों की श्रेणी में रखकर उन्हें होम अरेस्ट इसलिए करते हैं कि केंद्र और राज्यों की सरकार से विपक्ष डर कर घर बैठ जाए। योगी सरकार हम और हमारी कांग्रेस आपसे डरने वाली नहीं है। चाहे आप हाथों में हथकड़ी पावों में बेड़ी डाल दें, आप हमारे मुंह में ताला नहीं डाल पाओगे। शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि योगी सरकार का रवैया इतना तानाशाह जैसा है कि गत रात्रि हाथरस की बेटी को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि देने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस द्वारा रोका गया, तभी पुलिस अफसर कोरोना और कानून व्यवस्था का हवाला देकर उक्त कार्यक्रम की मनाही करते रहे। काफी जद्दोजहद पर कहीं हाथरस की बेटी को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। इंसाफ के लिए आज पूरे देश के अंदर लोग सड़कों पर हैं। कांग्रेस पार्टी भी लोकतांत्रिक ढंग से एक ऐसी सरकार जिस सरकार की आंखों पे पट्टी बंधी है, जिसके कान बहरे हैं, ना उसे लड़की की चीखें सुनाई दे रही, ना उसे लड़की का वो चेहरा दिखाई दे रहा दम तोड़ती हुई लड़की का, आज उसको इंसाफ दिलाने के पहले ही वो हमारे बीच से चली गई। और वो बेटी इस हिंदुस्तान की बेटी थी, जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा जब तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। आज क्या चीज का ज्ञापन दिया? आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने कार्य करने में असफल है, इसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए।